हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम अपने व्यूवर्स के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। दोस्तों ऐसी लोकेशन पर हम आए हुए हैं दोस्तों जैसा आपने कभी ऐसा लोकेशन नहीं देखा होगा। एक बार दिखाइए जंगल दोस्तों। ये जंगल लगभग 10 से 15 किलोमीटर का जंगल है और लगभग हम 3 किलोमीटर इसके अंदर आ चुके हैं और अभी तक ये जंगल ख़त्म नहीं हुआ है। और इधर भी दिखाइए, बहुत दूर तक ये जंगल है। इधर दिखाइए, उधर पूरा ये 10-12 किलोमीटर तक का जंगल है। और दोस्तों यहाँ पर हम करने आए हैं ट्रेजर हंटिंग। हमारे पास मशीन है इक्नॉक 600, तो चलिए मशीन को हम असेंबल करते हैं। असेंबल मशीन को किस तरीके से करना है वो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिल में घबराहट भी है कि यहाँ पर कुछ डेंजर चीज़ आ ना जाए। और दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से हम सेफली वीडियो बना करके निकल जाएं। और पहले हम मशीन को कर लेते हैं असेंबल, ठीक है। और थोड़ा दिखाइए इधर, दोस्तों इक्नॉक 600 मशीन जो होती है बहुत ज़्यादा टेक्निकल मशीन होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी मशीन होती है। ये देखिए इसका ये हेड है, यहाँ पर ये आर्म रेस्ट होता है, इसको निकाल करके भी सेट कर सकते हैं। और ये हमने पहले सेट किया हुआ है। और ये देखिए मशीन, इसको हमने ये देखिए, इसके साथ आपको ये मिलती है, दो ये रॉड होती है और ये होगा आपका कोयल। मशीन को सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें ये वाला, इस कोयल में इसको जब आप लगाएंगे ये वाली रोड, ये ध्यान रखिएगा ये इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और ये देखिए लॉकर, यहाँ पे लॉकर जो होना चाहिए ये वाला लॉकर, देखिए आप थोड़ा करीब से दिखाइए और करीब आइए। देखिए इसमें ये जो लॉकर बना हुआ है ये इस तरीके से पुशअप होता है। और ये देखिए इसमें ये होल टाइप का बना हुआ है। तो इधर कोयल दिखाइए, ये देखिए कोयल को इस तरीके से घुमाते हैं, ये देखिए ये घूम करके इस तरीके से खुल जाता है, ये देख लीजिए। ये पूरा प्लास्टिक बेस्ड होता है, मतलब इसमें कोई भी मेटल का इस्तेमाल नहीं होता है, ये देखिए। और इसको जब लगाना होता है तो ये जो पॉइंट है ये पीछे की तरफ होना चाहिए और ये वाला हिस्सा आपका आगे होना चाहिए, देखिए इस तरीके से ये आप लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये पूरा इधर निकल गया। और अब आप क्या करते हैं, इसको इस तरीके से घुमा दीजिए जिस तरीके से एक नट और बोल्ट को घुमाते हैं, दिख रहा है ना। कस्टमर को बिल्कुल साफ दिखना चाहिए क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल चीज़ें। अगर कोई मशीन पर्सन लेता है तो उसको अब मशीन असेंबल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए ये मशीन आपका हो चुका है असेंबल, मतलब ये यहाँ पर लग चुका है। अब ये थोड़ा सा इस तरीके से घूमना चाहिए, उसके बाद लगाएंगे हम ये वाली रॉड। ये वाली रॉड को लगाते समय देखिए इसको इस तरीके से दबाया आप, और इसको जितना आपको ज़रूरत है पहला लॉकर, दूसरा यहाँ पर देखिए ये कुछ होल दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इस होल को देखिए, इसको आप लॉकर को इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे तो इसको आप जितनी नीचे ले जाना चाहें, देखिए ये जहाँ पर आप इसको फिट करना चाहें वहाँ पर ये सेट हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं लगभग 5वें नंबर पर, ये देखिए इसको हमने कर लिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर। अब यहाँ पर सेट हो चुका है, अब बारी है इसकी। यहाँ पर भी देखिए एक होल दिया हुआ है इसके अंदर ये चीज़, और यहाँ पर ये लॉकर है, लॉक है,
और इसको देखिए इस तरीके से दबा करके इससे ये लग गया, यहाँ पर ये लॉक हो गया। अब आप देख लीजिए मशीन आपके हिसाब से सेट है कि नहीं, दूरी वगैरह बराबर है कि नहीं। अब हम इसमें लगाएंगे वायर, तो ये देखिए दोस्तों वायर को इसको इस तरीके से पकड़ना है और आपको क्या करना है इस तरीके से इसको घुमा लेना है वायर को। इसको टाइट ही रखें वायर को पूरा, ये देखिए एकदम ये। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ, ये देखिए इसके अंदर कुछ पिन होती है, एक लॉक टाइप का होता है। जब इसको आप लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें ना ये देखिए ये वाला एक पतला सा आपको लॉक दिख रहा होगा, ये लॉक टू लॉक मिलेगा उसके बाद ही इसको सेट करें। आप इसमें कभी भी ज़बरदस्ती ना करें, देखिए ये अपने आप ही, देखिए अगर इस तरीके से आप लगाते हो ये देखिए, तो जहाँ पर यह लॉक होगा वहीं पर जाके सेट होगा, ज़बरदस्ती ना करें इसके साथ, ठीक है। और मशीन हो चुकी है हमारी पूरा असेंबल, अब इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वीडियो में इसको किस तरीके से चालू करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो एक वीडियो हमारी ये हो गई है और नेक्स्ट वीडियो अभी हम बनाने वाले हैं ट्रेजर हंटिंग का। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हम पूरा दिखाएंगे कि हमको क्या मिला। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार जंगल की लोकेशन दिखा दो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।